आज जबलपुर शिवसेना के अध्यक्ष शैलेंद्र बारी के साथ गावरी घाट पोली पाथर के पास रहने वाले क्षेत्रीय लोगों ने नगर निगम महापौर को एक ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि उनके क्षेत्र में वह लोग वर्षों से निवास कर रहे हैं, लेकिन नगर निगम प्रशासन के द्वारा वहां पर दीपावली के पहले अतिक्रमण की कार्रवाई की गई थी, जिसमें कई मकानों को तोड़ दिया गया था, लेकिन अब उन्हें निगम प्रशासन द्वारा वहां पर फिर से अतिक्रमण तोड़ने के लिए नोटिस जारी किया गया है, जिसका विरोध करते हुए शिवसेना के पदाधिकारियों एवं क्षेत्रीय नागरिकों ने महापौर से मांग की है कि उनके मकान को जब एक बार तोड़ दिया गया दोबारा उनके साथ इस प्रकार का अन्याय न किया जाए। रहने वाले आज तक हम लोग ना कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया किसी से कुछ, जिसने जो भी कहा कहा। भाई साहब आए, उनने नोटिस दिया हम लोगों को कि इतना इतना टूटना, हम लोगों को रोड की दिक्कत हो रही, बड़े लोग हैं हम लोग, मान गए भाई साहब, तोड़ दिया है, हम लोग कुछ नहीं बोले। फिर हम लोग ने उनसे बोला कि भैया क्या हम लोग अपना बनाने लैट्रिन बाथरूम सब तोड़ दिए। भैया आज 2 महीने की रात है, सुबह सोचते कि सुबह कब हो, हम लोग डब्बा लेके जाए हैं, सुबह हो गई है। अब जो लैट्रिन थोड़ी सी आड़ है, कल आए निशान लगा दी, बोली आपका 2-2 फुट बचा है। तो हम लोग ने बोला भैया अगर 2-2 फुट बचा रहा तो आप पहले बता देते, हम लोग ये नहीं बनाते। बोली नहीं, हम लोग को आदेश मिला। भैया आपको आदेश मिला, हम गरीबों को कौन सा आदेश दिया, रोज कमा रहा है। भैया मैंने पूरा मलमा आज पूरी रात जब तू उठाया, क्यों उठाया, पहली बार आप लेके चले गए, 1 ईंटा 5 रुपये का आता, और झाड़ू बर्तन में कितना मिलता है, 1.5 रुपये मिलता, बताइए क्या बच्चों को पाल सकते हैं या मकान बना सकते हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग ये चाहते हैं बाबू जी कि अगर आप 1.5 फुट लेना चाहते हैं हमको समय दीजिए, और इसके बाद बाबू जी हम लोग 40 साल के निवासी हैं, हम लोग को एक सबूत दिया जाए, हम लोग भी मुकाबला कर सके। जब तो आया एक लठ मारा यूं भगाया, उतना मारा बाबू जी। अगर बच्चे, आपका नाम क्या है? मेरा बीना है हमारा बाबू जी। कहाँ से आए? मैं नर्मदा नगर बारीघाट रोड से हूँ बाबू जी। मैं आज से 11 साल पहले भी ये केस लड़ी, और उसी में मेरा पति खो गया, मैं सब बर्बाद कर चुकी, बाकी मैंने कभी नहीं बोला। आज जबलपुर शिवसेना के साथ पे गौरीघाट नर्मदा नगर के निवासी लोग यहाँ पर अपनी पीड़ा लेकर आए। हमने महापौर जी को ज्ञापन दिया है, ज्ञापन में मांग की गई है कि जो नर्मदा नगर पोली पाथर के पास के जो रेलवे के क्रॉसिंग के बाजू से कच्चे मकान गरीबों के बने थे, पूर्व में निगम द्वारा वहां पर हाईकोर्ट का हवाला देकर वो मकान को 20 फीट का करा गया, 10 फीट के मकान तोड़ दिए गए, पुनः कल जाकर 2-2 फीट के निशान लगा दिए गए हैं, 2 फुट 3 फुट के। जो दीपावली में ये लोगों ने अपने मकान को फिर से पुनर्निर्माण, अपने जितना टूट चुका था उसके बाद अपना आशियाना को ढक लिया, फिर 2 फुट का निशान लगा दिया है, और आगे की जो रोड है, आगे रोड ख़त्म है कि 40 फुट का रोड खत्म है, उसके पहले की रोड 15 फुट की है, मगर 20 की रोड 25 फुट की प्रशासन क्यों कर रहा है, वहाँ किस कारण किया जा रहा, पक्षपात किया जा रहा है, इसको रोकने के लिए हम लोग आज माननीय महापौर जो ज्ञापन दिया है, उनसे मांग की गई है कि ये गरीबों के साथ अन्याय ना हो, उनको पूरी न्याय दिलाया जाए, इसको लेकर हम लोगों ने ज्ञापन दिया। शैलेंद्र बारी, जिला जबलपुर।